दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोनो प्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ करके हम कैसे बहुत अच्छी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर शीट लिया है मैंने और ये पश्चिम ब्लू है। इसमें मैंने थोड़ा सा ये लिक्विन मिलाया है, इससे तो कलर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और ये सूखता भी जल्दी है। ये देखिए, ये जेल है और ये इसकी पैकिंग ऐसे आती है, लिक्विन ओरिजिनल। तो इसको स्प्रेड करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है। और ये थोड़ी न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने रैंडमली, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। दोस्तों, ऑयल पेंटिंग में लिक्विन बहुत हेल्प करता है जल्दी सुखाने के लिए और उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है। ये देखिए, रैंडमली आप स्ट्रोक इसमें लगाएं। ये मैंने फूड रैपिंग शीट यूज़ की है, इस पर ब्लैक ऑयल कलर यूज़ किया है। इसमें कुछ भी खास कोई प्लानिंग नहीं है कि हमने क्या बनाना है या ड्रॉ किया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडमली जैसे जैसे अच्छा लगे वैसे ही आप करते जाएं। इसमें मोनोप्रिंट में आप कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप किसी तरह की भी इसमें ट्रांसफ़र शीट यूज़ करिए, जैसे ये रैपिंग शीट मैंने यूज़ की है, फूड रैपिंग शीट। इसकी जगह आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं थोड़ा इसको स्मज कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से। ये मेरी तरफ से फाइनल हो गया है। अभी जाइएगा नहीं, अभी इसके साथ एक और मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, अभी इसमें मैंने दूसरी शीट ली है और शीट ये वाली मैंने ग्लॉस यूज़ की है ताकि इसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा आ जाए टेक्सचर का। ये ब्रांडसेना है, इसको मैं डायरेक्ट ही यूज़ करूँगा। इसमें लिक्विड मैं ना ही डालूँ, नहीं डालता इसमें। दोस्तों, ये टेक्निक बड़ी मज़ेदार है। अब देखिए, ये इसमें मैंने फैन ब्रश यूज़ किया है ताकि इसमें लाइनों का टेक्सचर आ जाए। ये एक पॉलीथीन
ये मैंने काटा था। अब ये पतले वाला पॉलीथीन बैग था, इसमें मैंने एक्रेलिक ब्लैक यूज़ किया है। इसका टेक्सचर बहुत ही शार्प और काफ़ी हार्ड आता है। अब देखिए इसको, रैंडमली स्ट्रोक्स इसमें भी मैंने लगाए हैं। थोड़े बोल्ड भी स्ट्रोक्स में होंगे इसमें। थोड़े बोल्ड स्ट्रोक्स देते हैं, थोड़े शार्प, थोड़े हार्ड, और एक नाइफ से भी। ये थोड़ा नाइफ से भी यहाँ पे एक स्ट्रोक देते हैं, ऐसे फ्लैट। ये हमारे दो आर्ट पीस देखिए तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।